Good morning, class. This is Sandeep Atri, JP Institute Nanand, District Hisar के platform पर आपका हार्दिक स्वागत करता है. बच्चों, ये क्लास से हम कोरोना के दौरान काफी कम साधनों के साथ आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं और इन क्लासों का स्टार्ट करने का हमारा मेन मकसद उन गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए है कि जो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते या बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाते. साथियों, ये क्लास उन अध्यापक साथियों के लिए भी है जो हमारी तरह सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहते हैं, कोचिंग के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, उनके लिए भी है. तो कोशिश करो कि अधिक से अधिक बच्चों और अध्यापकों तक यह हमारा प्रयास पहुंच सके. चलो बच्चों, आपके लिए आज के लिए टॉपिक लेके आया हूं मैं क्यूब रूट घनमूल का. हमारी सीरीज चल रही है भाई, कैलकुलेशन गणना की सीरीज चलाई है. Part-3 ले था अपना और उसमें आपका जो टॉपिक रहेगा बच्चों क्यूब रूट घनमूल. घनमूल एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जैसे मान के चलो कोई भी संख्या ले ली अपन ने, 27 ले ली है ना. 27 में यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा मिलेगा आपने, यहाँ पे 3 लिखा मिलेगा. तो इसका मतलब होता है, तो अब इसमें देखो यहाँ पे करना क्या होता है, 27 के गुणनखंड क्रिया करते बच्चों आप, 3 गुणा में 3 तीन दिया 9 दिया 27. क्या होता था, 3 दिया 9 9 दिया 27 राइट. तो यानी कि घनमूल में जोड़े 3 3 के बनेंगे, घनमूल में जोड़े 3 अंकों के बनेंगे बच्चों. बस ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है. ये तो अपना वैसे परंपरागत मेथड था, अभी पेयर मेथड बहुत ये कम यूज करना, क्योंकि ये तो केवल जस्ट समझाने के लिए था भाई कि घनमूल में एक्चुअल होता क्या है बच्चों. घनमूल में अपन ने 3 अंकों के जोड़े बनाने हो, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है. दूसरी बात वही, इससे पहले आपा ने क्यूब का घन का टॉपिक कराया था और उसने ये बताया था कि आपके लिए 10 तक घन तो कंपलसरी है भाई, 10 तक घन तो आपने याद रखने पड़ेंगे. उस तक आगे क्यों ट्रिक बता रहा, इससे पहले वाला टॉपिक देख लेना, आसानी से कवर हो जाएगा आपका, राइट. तो यहाँ से देखो बच्चों आपका सबसे पहले देखो, 1 का घन 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का घन 27 हो गया, 4 का घन 64 हो गया, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का हो गया 1000, ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, 1 का घन में इकाई अंक 1 है, 4 का घन में इकाई अंक 4 है, 5 का घन में इकाई अंक 5 है, 6 का घन में इकाई अंक 6 है, 9 का घन में इकाई अंक 9 है और 10 में इकाई अंक कितना बच्चों, 10 है. 2 अंकों वाले तो वैसे याद रख लोगे, 2 अंकों वाले तो वैसे याद रख लोगे, बाकी 3 या 3 से अधिक अंकों का घनमूल हम किस तरीके से निकालना इस टॉपिक पर बात करेंगे. यहाँ पे नोट करो बच्चों कि 2 का घन में इकाई अंक 8 आ रहा है, 2 का घन में इकाई अंक 8 आ रहा है, लेकिन 8 का घन में इकाई अंक 2 आ रहा है. कहने का भाव क्या हुआ, ये दोनों अंक एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों अंक एक दूसरे के पूरक हैं. तो उसके बाद देखो भाई आपका नेक्स्ट है, जैसे 2 का घन कितना, सॉरी 3 का घन देखो बच्चों. उसके बाद 3 का घन में इकाई अंक क्या है, 7. 3 का घन में इकाई अंक क्या है बच्चों, 7 है. और 7 में 7 का घन में इकाई अंक क्या है, 3. 7 का घन में इकाई अंक क्या है बच्चों, 3. 3 का में 7 है, 7 का में 3, ये दो पेयर बन गए. इसके अलावा कुछ भी आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बाकी तो वही अंक आएगा, 1 में 1 आ गया है ना, उसके बाद 5 में 5 आ गया, 6 में 6 आ गया, 9 में 9 आ गया और 0 में तो 0 आ गया बच्चों. तो ये अपने 4 अंक हैं, ये अपने क्या अंक, 4 दो दो के पेयर बन गए, राइट. इस तरीके से हल करोगे बच्चों, यहाँ तक तो लगभग आपके याद हो जाएंगे. मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, 343 ले लिया, 343 का घनमूल निकालना है, 1 सेकंड में निकाल लेना बच्चों. यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 का क्या आ जाओगा, 7. 3 का क्या आ जाओगा बच्चों, 7.
सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, 512 ले लिया, जोड़े कितने के बनेंगे, घनमूल में जोड़े बनेंगे 3 अंकों का, घनमूल में जोड़ा कितना का बनेगा, 3 अंकों का बनेगा। और यहाँ पे देखो इकाई अंक क्या है बच्चों, 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 8, ठीक है। ये तो आपको लगभग याद भी होंगे भाई। स्टार्टिंग करते हैं 3 अंकों के लिए, सॉरी 3 के लिए, 4 के लिए कराना, ठीक है। 4 अंकों के लिए देखो बच्चों, जैसे मान के चलो आपा ने क्या ले लिया, 1728 ले लिया, राइट। तो इसमें देखो जोड़ा कितने अंकों का बनाना है, 3 अंकों का। यहाँ पे इकाई अंक क्या बच्चों, 8, 8 में आपा ने क्या बताया था, 8 में इकाई अंक क्या होगा, 2, 8 का इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 2। और यहाँ पे 1 का घनमूल, 1 का घनमूल 1 होया करे, तो ये पूरा किसका घन, इसका पूरा घनमूल कितना होगा बच्चों, 12, ठीक है। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से करना है, यहाँ से इकाई अंक क्या बच्चों, 5, 5 के लिए क्या लोगे, 5 लोगे भाई, 5 के लिए इकाई अंक क्या लेना बच्चों, 5 लेना है। इससे छोटी पूर्ण घन संख्या, 1 का घन 1 होया करे, 2 का घन 8, 8 तो बड़ा हो गया 3 से, तो यहाँ पे अपन 1, इससे छोटा पूर्ण घन संख्या 1 का घन क्या है बच्चों, 1 होया करे, किसका घन था 15 का, ये किसका घन था बच्चों 15 का। अब यहाँ पे देखो आपने बस एक पॉइंट नोट करना था, यहाँ पे घन में जोड़े 3 अंक के बनाया करें, घन में जोड़ा 3 अंक का बनाया करें। यहाँ पे इकाई अंक क्या है बच्चों, 6, 6 का क्या लेना आपने, 6 लेना है। इस तरह छोटी पूर्ण घन संख्या, 1 का घन 1 होया करे, 2 का घन 8, 2 का घन 8, 8 तो इससे ज्यादा नहीं हो गया, छोटे वाला लेना है। यहाँ पे किसका आ जाओगे बच्चों, 16 का हो गया भाई। ये थे भाई आपके 4 अंकों वाले। चलो एक उदाहरण ले लिया बच्चों, जैसे मैंने ले लिया 5261, ये ले लिया। तो यहाँ पे देखो तीनों का जोड़ा बन गया, इकाई अंक क्या हो जाएगा बच्चों, इकाई अंक 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लेना है। इससे छोटी पूर्ण घन संख्या, इससे छोटी पूर्ण घन संख्या, 1 का घन 1 हो गया, 2 का घन 8 हो गया, 3 का घन 27 हो गया। 27 तो 9 से बड़ा हो गया बच्चों, 27 तो 9 से बड़ा हो गया, इसलिए आपने 2 का घन क्या था 8, ध्यान रखना 2 का घन क्या था 8, 8 9 से छोटा है, तो यहाँ पे 8 नहीं लिखना है। यहाँ पे कौन सा अंक यूज करोगे बच्चों, आप 2, यहाँ पे कौन सा अंक यूज करोगे बच्चों, 2, राइट। चलो इसको रफ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला एग्जांपल है आपका, इसमें आपके 5 अंक आ गए, 5 अंकों का एग्जांपल देख लो, सिंपल सा फंडा, बिल्कुल थोड़ा सा भी चिंता करने की बात नहीं है, फ्री माइंड से समझने की कोशिश करो, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच्चों, इकाई अंक 3, यहाँ पे कितना है 3, और 3 के लिए, 3 के लिए क्या बताया था 7, 3 के लिए क्या बताया था बच्चों 7, और इससे छोटी पूर्ण घन संख्या, 2 का घन 8 हो गया, 3 का 27, 3 का घन हो गया बच्चों 27, और 2 का घन क्या हो गया 8। ये बताया था कि इससे छोटा पूर्ण घन वाला अंक लेना है, 3 27 तो बड़ा हो गया, 2 का 8, यानी इसकी जगह आप क्या यूज करोगे, इसकी जगह अपन कौन सा अंक यूज करना है बच्चों, 2, किसका घन हो गया ये 27 का, 27 का, राइट। आगे देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए आपके 5 अंकों के, जैसे मान के चलो यहाँ पे जोड़ा बन गया आपका 3 अंक का, 2 के लिए क्या लेना था बच्चों, 2 के लिए, वैसे भी भूल जाओ ना, 2 का घन कितना होया करे 8, 2 का घन कितना होया करे 8, तो 2 के लिए क्या लोगे बच्चों 8 लोगे, और इससे छोटी पूर्ण घन संख्या, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 64 तो अधिक नहीं हो गया, 3 का घन 27, यहाँ पे अपन क्या लेना बच्चों 3 लेना है, तो इसका घनमूल कितना आ गया 38, इसका घनमूल कितना आ गया बच्चों 38। यहाँ पर भी देखो आपका पेयर कितना का बन गया 3 का, पेयर कितना बन गया 3 का, ठीक है। 7 की जगह, 7 की जगह अपन क्या लेना था बच्चों 3 लेना था, है ना। इससे छोटी पूर्ण घन संख्या, 4 का 64, 5 का 125, वही 125 तो 79 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या लोगे 4 हो, ये किसका घनमूल था बच्चों 43 का। यहाँ पे देखो आपका सेम इसी तरीके से 6 अंकों की संख्या ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे पेयर बनेंगे 3 अंक में, 4 का क्या बताया था आपको 4 में 4 आया होगा, क्योंकि 4 का घन आ रहा 64, 4 में क्या बताया था 4 आया होगा। इससे छोटी पूर्ण घन संख्या बच्चों 3 का घन, सॉरी थोड़ा सा बड़ा ले लो, 6 का घन 216,
सात का 343, आठ का 512, 512 से ज्यादा हो गया भाई, 512 तो 405 से ज्यादा हो गया, इसलिए इससे अपन की लेना है कम वाला, ठीक है। तो कम वाला लोगे तो अपना क्या आ जाएगा बच्चों, सात का आ गया 343, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा सात का 343। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये आ गया आपका, इसमें पेयर कितना बनाना बच्चों, तीन तीन अंकों के पेयर बनते हुए चल रहे इसमें, ये हो गया सात। और सात के लिए क्या बताया था बच्चों, क्या लेना है आपने सात के लिए, क्या लेना बच्चों आपने तीन, सात के लिए क्या लेना था तीन। और यहाँ पर देखो भाई आठ का घन कितना हो गया बच्चों 512, आठ का कितना हो गया 512, नौ का 729, नौ का क्या हो गया 729, तो 571 से ज्यादा था तो इससे कम वाला लो भाई, यहाँ पर क्या हो गया आठ। एक इसका घनमूल हो जाएगा बच्चों 83 का, इसका हो जाएगा 83 का। यहाँ पे देखो आपका सिंपल सी बात है, घनमूल में अपन ने जोड़े, घनमूल में जोड़े तीन तीन के बनाए, तीन अंक ले लो, सिंपल सा फंडा है। आठ के लिए क्या लिखोगे बच्चों दो, इससे छोटी पूर्ण घन संख्या। नौ का कितना आ गया 729, नौ का कितना आ गया 729। और दस का कितना हो जाएगा बच्चों 1000, 1000 से तो छोटी है यार, तो इसके लिए अपन कौन सा अंक यूज करना है नौ। यहाँ पे देखो बच्चों आपका ये कितना आ गया, ये आ जाएगा बच्चों इकाई अंक क्या है नौ, नौ के लिए क्या लोगे नौ, इससे छोटी पूर्ण घन संख्या। नौ का कितना हो जाए बच्चों 729, दस का हो गया 1000, 1000 से तो कम है, इसके लिए भी क्या लोगे आप नौ, किसका घन था बच्चों 99 का। तो इस तरीके से आप बड़े रिलैक्स माइंड से कर सको हो, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अगर 10 तक भी आपको घन याद है, बहुत बड़े बड़े घन आप चुटकियों में सोल्व कर सको हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।